हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन श्रेणी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं आपको इंग्लिश ग्रामर। हेडिंग है दोस्तों, वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम। वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम, ठीक है। तो रूल नंबर पहला क्या है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना आपके, ठीक है। पहला रूल कह रहा है दोस्तों, जिन वर्ब्स के अंत में कोई कंसोनेंट हो और उससे पहले दो वावेल्स हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कंसोनेंट डबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई कंसोनेंट हो और उससे पहले दो वावेल्स हो, मतलब दो स्वर होगा, ठीक है, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कंसोनेंट डबल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे उदाहरण यहाँ पर, उदाहरण, ठीक है, तभी आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण में लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, जैसे रीड, READ, ठीक है। तो देखिए ये व्यंजन है इधर भी, ठीक है, और यहाँ पर देखिए वावेल है, दो वावेल है, तो इसको ING जोड़ेंगे, डायरेक्ट इसी तरह जोड़ देंगे, ठीक है, रीडिंग, ठीक है। तो कंसोनेंट डबल नहीं होता है, सिर्फ ING आप जोड़ देंगे, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वीप, WEP, ठीक, तो ING जोड़ दीजिए, WEPING, वीपिंग, समझ में आ रही बात। दो उदाहरण इधर बता देते हैं आपके, दो उदाहरण अभी बता दिया, दो उदाहरण और बता देते हैं आपकी, इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मीट, जैसे यहाँ पर मीट, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, मीटिंग, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, बीट, BAT, बीट, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, BEATING, बीटिंग, ठीक है। तो चार उदाहरण आपके नोट कर लेना, ठीक है। जिन वर्ब्स के अंत में यन होता है और उससे पहले कोई भी वावेल हो तो अंतिम अक्षर यन डबल नहीं होता है, समझ में आ रही बात, यन डबल नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण मैं लेकर बता देता हूँ, जैसे एक उदाहरण लिखेगा, जैसे ओपेन, OPEN, ओपेन, ठीक है, तो अब ये वाला यन डबल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ING जोड़ देंगे आप इसमें, OPEN ING, ओपनिंग, ठीक है, याद रखना दोस्तों। रूल नंबर दूसरा यही कर रहा है, एक उदाहरण मैं आपके बता दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब रूल नंबर कौन सा लेते हैं दोस्तों, तीसरा रूल नंबर, तीसरा तो आपके लिखना है रूल नंबर तीसरा, तो रूल नंबर तीसरा लिखेगा, जिन वर्ब्स के अंत में लिखेगा, जिन वर्ब्स के अंत में, ठीक है दोस्तों, लिखेगा जिन वर्ब्स के अंत में आई ई हो तो उनमें, ठीक है, उनमें ING लगाते समय, ING लगाते समय आई ई कामा दीजिएगा, वाई में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर तीसरा क्या आपके समझना है, जिन वर्ब्स के अंत में आई हो तो उनमें ING लगाते समय, ठीक है, लगाते समय वाई में बदल जाता है, मतलब आई को हटा कर हम वाई लिख देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे मैं आपके बताना चाहूँगा, जैसे दोस्तों लाई, LI, देखिए आई है ना, इसको हटा के हम लोग क्या जोड़ देंगे, LYING, ठीक है, कामा। अगला उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, जैसे डाई, DIE, डाई, इसमें जोड़ना ING, तो DYING होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। रूल नंबर तीसरा ही करा, जो IE है इसको हटा के वाई लगा देना, ठीक है, आई है उसे हटा कर वाई लगा देना, डाइंग हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरह से आप दो उदाहरण से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। एक रूल और बताएंगे, रूल नंबर चौथा, ठीक है, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आपको बताते हैं रूल नंबर चौथा, ठीक है।
रूल नंबर चौथा देखते हैं दोस्तों। ठीक है, रूल नंबर चौथा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई कामा वाई होते हैं, ठीक है, उन शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम ई नहीं हटाते हैं। इतनी बात आपको याद रखना, ठीक है। रूल नंबर चौथा क्या है, ध्यान से आपको समझना है। रूल नंबर तीसरा यहाँ पढ़ा दिया, रूल नंबर चौथा यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जिन वर्ब्स के अंत में, मेरे भाई, जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई कोमा वाई, डबल ई हो चाहे वाई ई हो, तो उन शब्दों में आईएनजी जब लगाएंगे आप तो ई नहीं हटाएंगे, ई को नहीं आपके हटाना है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं और आपके बता देते हैं। उदाहरण में सबसे पहले ले लेते हैं सिंह, ठीक है, यस डबल ई आई एन जी, तो इसका लिखेंगे यस आई एन जी सिंह, ठीक है। तथा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैंने बताया रूल नंबर चार में वाई ई है तो ई को नहीं हटाएंगे, आई एन जी डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें आई एन जोड़ेंगे तो डी वाई ई आई एन जी डाइंग होगा, ठीक है। तो ये दो उदाहरण आपके समझ लेना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।